वीडियो। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे 8:30 और मैं अभी तक बिस्तर पर ही सोया हूँ, क्योंकि जो बाहर में जो सुबह मैंने जगा था, तो बाहर गया तो बहुत हवा तेज़ था और ठंडा भी बहुत था, लेकिन जो कुहासा एक जरा सा भी नहीं था। लेकिन आज जो मौसम एकदम साफ करेगा, तो चलिए फिर मिलते हैं अभी साफ सुथरा होकर, क्योंकि अभी मैं बिस्तर में ही सोया हूँ। आप लोग क्या हुआ है गाइस? तो मैं अभी आ गया हूँ घर और घर आन के खाना खा रहा हूँ, और जो मैं एक मुझे घाव हुआ, जख्म हुआ, जिसके कारण से मैं इस तरह से बैठ के खा रहा हूँ। इस तरह आप लोग देख रहे हो किस तरह से बैठ के खा रहा हूँ। आज जो खाने का तरीका है बहुत ही अलग अंदाज की है, आप लोग को दिख रहा। मैंने इस तरह से टेबल पर रख दिया हूँ खाना, और मैंने इस तरह से बैठा हूँ क्योंकि मुझे एक जख्म हुआ है इस तरह का, ऐसा जख्म हुआ जिसके कारण से मुझे इस तरह से बैठ के खाने पर रहा है, बैठने में नहीं खा रहा है। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर, और घर आन के अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और खाना भी स्टार्ट कर दूँ खाने के लिए। और मैं इस तरह से खा रहा हूँ जिस तरह से आप लोगों ने देखा नहीं होगा, पहली बार देखा होगा किसी को खाते हुए इस तरह का, तो आप लोग को दिखा दूँ मैंने इस तरह से खा रहा हूँ। मैंने किस तरह से पहले बैठा हूँ, इस तरह से बैठा हूँ, और इसके बाद मैं खाना खा रहा हूँ। मुझे एक जख्म हुआ जिसके कारण से मुझे इस तरह से बैठ के खाने पड़ रहा है, नहीं तो मैंने इस तरह से कभी नहीं खाया हूँ बैठ कर, ना खाने पड़ता। एक जख्म है जिसके कारण से मुझे खाने पड़ रहा है। गाइस तो मैं अभी आ गया हूँ मणिपुर, आप लोग को दिख रहा है झोपड़ी जो मैंने इसके पहले, मैंने बहुत दिन पहले यानी 10 से 15 दिन हो गया इसके पहले मैंने यहाँ आया था, बाकी यहाँ पर मैंने 10 या 15 दिन से नहीं आ रहा हूँ, और आज मैंने आया हूँ। और जो पूरा जो है ये झोपड़ी जो है पूरा सीम के जो लत्तर है, ये पूरा लत्तर से चारों पट्टी से छका गया है, और ये एकदम झोपड़ी की तरह घर की तरह है, और ये बहुत ही अच्छा अंदर फीलिंग होगा। इसके अंदर जाकर दिखाता हूँ इसके अंदर क्या कैसा दिखेगा इसके अंदर जाने के बाद। तो अभी मैं बाहर हूँ, इधर जो है अंदर से चौकी की तरह है, तो मैंने पहले दिखाया था इस वीडियो में, तो चलिए अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ और फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा, आप लोग को दिख रहा ऊपर से नीचे तक एकदम सीमे चारों पट्टी से एकदम सीमे, बाकी यहाँ जो है मोटर है, और बाकी अंदर ये रहा सीन अंदर का। और मैंने तो पहले इसकी वीडियो डाला हूँ, लेकिन मैंने पूरा दिखाया नहीं था, लेकिन अंदर का सीन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो है मोटर का लाइन है, और यहाँ से मोटर चलता है, बाकी वहाँ पानी, बाकी अंदर में जो है हवा ठंडा ठंडा आ रहा है, बहुत ठंडा ठंडा, लेकिन हवा जो है आज बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि सुबह में कुहासा एक जरा सा भी नहीं था, लेकिन अब भी जो है कुहा बहुत सारा है। तो आप लोग को दिख रहा है मड़ी जो है बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर गर्मी के दिन में सोने में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तो ठंडा का मौसम है, लेकिन गर्मी के दिन आने वाला है, क्योंकि धान का दिन आ रहा है, लुक लहर का दिन आएगा, तो ठंडा तो बढ़ेगा ही, ठंडा कमेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर सुकून से नींद आएगा, चैन से नींद, और बाकी इस झोपड़ी को मारे में मत पूछिए, इस झोपड़ी के बारे में मत पूछिए, बहुत ही सुकून सुकून देने वाला झोपड़ी है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ यहाँ धनान पर, और आज जो है मकर संक्रांति ख़त्म हो गया, और आज जो है बड़े लोगों को मकर संक्रांति होता है, यानी सकरात जो है आज चूरा दही जो बड़े लोग खाते हैं, यानी जी बड़े बड़े आदमी जो होते हैं, यानी बड़े बड़े आदमी नहीं, जैसे पंडित हो गया, जैसे ब्राह्मण हो गया, बड़ा बड़ा जात होते हैं, आज जो बड़े बड़े जात है आज मनाते हैं 15 तारीख को। सकरात 2 दिन मनता है, 14 और 15 तारीख को। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज जो मैंने झोपड़ी दिखाई वो बहुत ही शानदार झोपड़ी था, और वो झोपड़ी के बारे में मत पूछिए, बहुत ही क्विक झोपड़ी था। तो बाय बाय।